नमस्कार, सेंट्रल डिबेट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं मोदी के बहाने बहुत कुछ, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रहस्य रोमांच की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि टाइम्स मैगजीन ने जिस तरह से लिखा है कि डिवाइडर इन चीफ मोदी को बताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ बताया है। आप इसका हिंदी का भी अर्थ समझते होंगे कि वो जो है विभाजन के एकदम सिरमौर हैं। तो इस तरह से टाइम मैगजीन ने जो कवर स्टोरी छापी है, ये देश के सारे अखबारों में, करीब करीब सारे अखबारों में सुर्खियां बनी हैं। और यह एक, यह जो गतिविधि है मीडिया का, जो यह काम है, इसने सोचने पर विवश किया है कि हमारी अपनी, यानी हमारे देश की बाउंड्री के भीतर हमारी अपनी कोई आचार संहिता है कि नहीं। और देश के बाहर के जो भी अखबार हैं, जिस भी देश के अखबार हैं, मैगजीन हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो आज़ादी है, वो आप कुछ भी छापें, कुछ भी करें, लेकिन उसको हम जब उठाते हैं, उसको अपने यहाँ जब सुर्खियाँ बनाते हैं, तो यह सवाल उठता है। और ये दर्शक दीर्घा और हमारी जो जो सामने जनता दीर्घा है, उसके समक्ष भी यह सवाल होता होगा कि आखिर भारतीय मीडिया, आखिर उसका कोई अपना आचार विचार है कि नहीं, कोई दिमाग है कि नहीं, कि आप जो हैं, आप किसी भी खबर को, कोई भी खबर जब आती है तो इंटरनली तो आप बहुत विद्वान बनते हैं और अपने रिपोर्टर को खूब समझाते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका ये हुआ कि नहीं, इसका वो हुआ कि नहीं, और तमाम आप आयाम से उसकी, उसका एक पोस्टमार्टम करते हैं अंदर। और जब बाहर से, अंतर्राष्ट्रीय जगत से कोई खबर आती है, तो आपकी नस्लों में पता नहीं क्या हो जाता है कि उसको उठा के माथे पर रख लेते हैं। इसका आज हम लोग छिद्रान्वेषण करेंगे। और इसलिए आज जो नॉन प्रोडक्टिव जो जमात होती है, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तरफ से जो जो शोर शराबा होता है और मतलब की कोई बात नहीं होती, तो आज के डिबेट से बिल्कुल ही सोच समझकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रवक्ताओं को अलग रखा गया है। आज हमारे बीच दार्शनिक, विचारक, चिंतक और राजनीतिक जो समीक्षक हैं, वो हमारे बीच जो आदरणीय वक्ता हैं, उनका हम परिचय कराएंगे अभी। और उसके पहले कुछ एक बातें आपको ज़रूर बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने एक प्रोमो चलाया, और वो जो प्रोमो चलाया, जैसे मीट, अभी जो डिबेट का विषय मैंने बताया, वो विषय मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी के बहाने बहुत कुछ। लेकिन जो अभी हम लोगों का एक प्रोमो चल रहा था, उस प्रोमो में ये बात थोड़ा सा हास्यनुमा लगेगी, लेकिन उस प्रोमो में चल रहा था कि एक मर्द पति, आप ध्यान से सुनिएगा, एक मर्द पति की, एक मर्द पत्नी का कारनामा, उस पर सदा है मौन, पहचानो कौन। और मेरे बैकस्टेज भी हमारे कई साथियों ने पूछा कि इसके पीछे क्या रहस्य है, आप तो डिबेट मोदी के बहाने कुछ और बहुत कुछ। तो मैंने उनसे बताया कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, और डिबेट में हम सब लोग जब उतरेंगे तो ये एक अजीबोगरीब खबर के साथ उतरेंगे, और यह जो बात अभी आएगी उस पर बहुत सारे लोग हिलेंगे। मैं चाहता हूं कि वो जो है बात शुरू हो, और हिलना शुरू हो, उसके पहले हम अपने वक्ताओं से, आदरणीय वक्ताओं से आपका परिचय कराते हैं। हमारे बीच हमारे, हम लोगों के डिबेट के अभिभावक तुल्य आदरणीय सर्वेश चंद्र द्विवेदी साहब मौजूद है, राजनीतिक चिंतक और दार्शनिक। आदरणीय द्विवेदी साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, बुद्धिजीवी और राजनीतिक समीक्षक। त्रिपाठी साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच संविधान विशेषज्ञ और हमारे डिबेट के में साथ देने वाले साथी योगेश मिश्र जी मौजूद हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ राहुल दत्त जी, जो विधि विशेषज्ञ हैं और समाज विशेषज्ञ भी मैं उनको मानता हूं, और देश के बहुत सारे जरूरी मसलों पर उनका जो विचार होता है वो बहुत ही उद्वेलित करता है। और राहुल जी, आप बहुत दिनों के बाद हमारे डिबेट में शरीक हो रहे हैं, आप बाहर रहे, और राहुल जी आपका बहुत स्वागत करता हूं।
और बस आज चार वक्त हैं और हमारे पास जो विषय है ये बड़ा गहन है, और मैं एक दो बातें आदरणीय द्विवेदी साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जो हूँ थोड़ी देर के लिए ये जो एंकर वाली भूमिका है इससे थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ और वक्ता दीर्घा के साथ उसकी सदस्यता ग्रहण करके मैं कुछ जानकारी अपने दर्शक दीर्घा को भी दे रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ, आप सबको दे रहा हूँ कि ये जो खबर छपी है ये डिवाइडर इन चीफ, ये आतिश तासीर एक लेखक हैं, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखी है। त्रिपाठी साहब ध्यान दीजिएगा कि ये जो तासीर हैं इनकी तासीर बड़ी बड़ी गहरी है और अजीबोगरीब है। ये जो अब आप कहेंगे, दर्शक दीर्घा भी ये सोचेगी कि अब तो ये हम एक उनका निजी पोस्टमार्टम करने लगे, तो निजी पोस्टमार्टम करना ये एक पत्रकारीय धर्म है और हमारा एक राजनीतिक सामाजिक धर्म है, राजनीतिक नहीं सामाजिक धर्म है। और हम अपने जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कोई बात लिखी जाती हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी बात से कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि हमारे फायदे में गई, कोई सोचे हमारे नुकसान में गई, वो बॉदर नहीं करते। हम लोग जो बातचीत करेंगे वो सत्य जहाँ है उस पर खड़े रहेंगे। तो हमारे देश के भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पर कोई विदेशी अखबार का कोई फ्रीलांस जर्नलिस्ट लिखता है और वो पोस्टमार्टम करता है तो हम उसकी पोस्टमार्टम करेंगे। और हम आपको ये बता दें कि ये जो आतिश तासीर हैं ये पाकिस्तानी नेशनल थे, सलमान तासीर आप सब लोग जानते हैं, सलमान तासीर के ये नॉन रजिस्टर्ड बेटे हैं। ये मैं बहुत ही सोच समझकर और तकनीकी रूप से अपने आप को बहुत ही जागरूक करता हुआ ये बात कह रहा हूँ कि वो जो हैं वो नॉन रजिस्टर्ड बेटे हैं, कानून की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए कि जो मोहतरमा तवलीन सिंह हैं जो भारत की पत्रकारा हैं, हम लोगों की कलीग रही हैं सीनियर, और इंडियन एक्सप्रेस में भी, चूँकि मैं इंडियन एक्सप्रेस में था वो लिखती रही हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और तवलीन सिंह ने उनके साथ वो शादी नहीं थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब भारत में भी संस्कारों का किस तरह से ये हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को वो तमाम धाराएं याद आती हैं कि जिसको जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट को याद नहीं रहती, और सुप्रीम कोर्ट को वो इतर संबंधों को वो लीगलाइज करना है, धारा 377 को लीगलाइज करना है, तो ये तो इस तरह से चरम पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। जिन चीज़ों को हम लोग धतकर्म समझते रहे उसको वो सत्कर्म समझता हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला जारी किया। इस पर बहुत सारे हमारे जो तथाकथित जो प्रगतिशील साथी हैं वो हमसे बहुत भन्नाएंगे आज। और ये जो ये सलमान तासीर हैं, इनकी आप सब लोग जानते हैं कि ये पंजाब के गवर्नर थे और ये प्रगतिशील थे, ये कट्टर नहीं थे, और ये आसिया बीवी के साथ जो आसिया बीवी का जो मसला हुआ था वो ये जो धार्मिक आस्था के खिलाफ जो उनका एक चलता है वहाँ पे, उस पर फांसी की सज़ा मिली थी, उस पर सलमान तासीर ने एक खुला बयान भी दिया था, उसका साथ भी दिया था। तो सलमान तासीर की उन्हीं के अंगरक्षक ने हत्या कर दी थी। ये 4 जनवरी 2011 को हत्या हुई थी। ये प्रसंग मेरा डिबेट का नहीं है। हम जो आपसे बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सलमान तासीर के जो ये जो तवलीन सिंह हैं इनके साथ जो संबंध रहे और उन संबंधों के उत्पाद के रूप में जो आतिश तासीर आए, उसके बाद से उन्होंने भारत का रुख नहीं किया। मतलब ये जो है ये एक, इसको अगर हम भारतीय दर्शन के हिसाब से सोचें तो ये एक अजीबोगरीब तरीके का एक दैहिक अवसरवाद है कि वो जो है उसके बाद विलुप्त हो गए। और जो मेरे रिकॉर्ड में बात है ये जो है, या सलमान ये आतिश तासीर की जो का जो पूरा लेख छपा है, ये पूरा लेख उसका टेक्स्ट है हमारे पास। उसके बाद से वो आए नहीं और वो पाकिस्तान में रहे, और आप सब लोगों को पता है। और इस पर जो उनके बेटे हैं, ये जो स्वनाम धन्य आतिश तासीर, उन्होंने एक किताब लिखी थी इसके पहले। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये जो डिवाइडर इन चीफ कहने वाले व्यक्ति ने एक किताब लिखी थी, व्हाई माय फादर हेटेड इंडिया। अब ध्यान से सुनिएगा, और इन सब चीज़ों के एजेंडे हैं और इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई नियोजन है। और आज चुनाव है, नियोजन का आप लिंक जो है उसकी जो कड़ी है आप खुद समझ सकते हैं।
कि उनके उन्होंने अपने पिता के बारे में ये खबर लिखी थी, ये एक किताब लिखी है। हालांकि उसमें बहुत सारे तर्क दिए उन्होंने, और उस तर्क में, उन तर्कों में आप जाएंगे, वो किताब का मैं थोड़ा एक बर्ड्स आई व्यू में देख रहा था उसको, और उसमें उनका एक थोथा तर्क नुमा है। लेकिन वो किताब की मैं उस किताब, चूँकि डिबेट का विषय हमारा किताब नहीं है, वो उन्होंने किताब लिखी थी व्हाई माई फादर हेटेड इंडिया। और आज जब उन्होंने किताब, आज जब खबर छपी डिवाइडर इन चीफ टाइम्स मैगजीन में, तो ये एहसास हुआ कि ये व्हाई माई फादर हेटेड इंडिया इज जस्ट एन एक्सप्रेशन इन दिस रिपोर्ट। कि आप ये पूरा रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये रिपोर्ट छापने के पहले भारतीय मीडिया क्या कर रहा था, उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए थी। उसमें हम ये दे सकते, खबर नुमा दे सकते थे कि टाइम्स ने ये छापा है इस तरह से, इस पर जो एक आजकल चलता है अखबारों का, मैं ज़्यादा समय एक मिनट और समय लूँगा, कि आजकल चलता है कि वो एडिटर्स व्यू या किसी अखबार वाले का व्यू, एक कॉलम भी चलता है तो अखबार का व्यू करके एक छोटा सा देते और अपना व्यू भी छापते। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने देखा कि हमारे माथे पर टंगी हुई वो खबर आ गई है। अब मैं ये बता दूं कि ये जो हैं आतिश तासीर, ये जो हैं इन्होंने प्रिंस एंड प्रिंसेस माइकल ऑफ केंट, इनकी जो बिटिया है गैब्रियला विंडसर, उसके साथ प्रेम का नाटक किया था, झांसा दिया था, और इस पर जबरदस्त एक वो जो है वो एक समाज में एक क्राइसिस पैदा हुई थी, और उस पर उन्होंने धोखाबाजी की और तमाम जो कुछ भी किया, उसकी तस्वीरें आपको मैं दिखाता चलूं। ये देखें कि ये गैब्रियला विंडसर की तस्वीर है जिसके साथ ये आतिश तासीर ने प्रेम का एक नाटक रचाया, और पूरे विश्व भर में एक प्रिंसेस, मतलब वो राजघराने में एक निंदा का प्रस्ताव और तमाम चीज़ें जारी हुई, उसके चलते एक बदनामी का माहौल बना और ये सब हुआ। लेकिन बाद में ये रहस्य खुला कि ये जो है आतिश तासीर खुद एक गे है, समलैंगिक है, और ये आदमी ये केवल एक उसको फंसाने के लिए एक नाटक कर रहा था। और उसने बाद में ये हुआ कि अमेरिकन एक व्यक्ति हैं, और मैं आपको बताता हूँ उसका नाम, अमेरिकन एक रायन डेविस हैं, रायन डेविस के साथ उस व्यक्ति ने शादी की और बाकायदा मैरिज हुई। और ये आप देखें कि ये जो है ये आतिश तासीर, ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये आतिश तासीर हैं, और उनके बगल में ये खड़े हैं रायन डेविस। और ये जो फोटो जो मैगजीन में छपी है इसमें बाकायदा हस्बैंड एंड वाइफ लिखा गया है कि ये जो है ये रायन डेविस के मेल वाइफ हैं। अब ये आप जो हम प्रोमो दिखा रहे थे वो क्लियर हुआ कि ये जो है वो मर्द पति की मर्द पत्नी पर मौन, पहचान कौन, तो आप पहचानिए कौन है। और ये भी पहचानिए कि भारतीय मीडिया, भाई लखनऊ में एक छोटी सी जगह पर बैठे हुए व्यक्ति ने ये जब निकाल कर आपके सामने रखा तो इसका मतलब है कि मीडिया ने शातिराना तरीके से चुप्पी साधी है, या हम महामूर्ख हैं और वो प्रगतिशील हैं। वो कहेंगे कि हम तो समलैंगिक हैं, तो क्या हुआ भाई, आप समलैंगिक हो या बहुलैंगिक हो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे फैसले दे दिए हैं। लेकिन जब आपके पूरे अपने चरित्र में संदेह है, आप एक संदेहास्पद व्यक्ति हैं, तो आप जो हैं, आप जब दूसरे पर खबर, और वो भी देश के प्रधानमंत्री पर जब आप खबर लिखते हैं, तो उसकी नुक्ताची होगी, उसकी समीक्षा होगी। अब मैं इसको वक्ता दीर्घा के पास आ रहा हूं, यह कहता हुआ कि ये जो हैं सलमान तासीर के साथ, मैंने बताया कि तवलीन सिंह की शादी कभी नहीं हुई, और उसके बाद तवलीन सिंह जो हैं वो आपके सामने मैं दिखाऊं कि ये तवलीन सिंह हैं, और ये तवलीन सिंह के अपने विकिपीडिया प्रोफाइल पर भी तवलीन सिंह के पति के रूप में सलमान तासीर नहीं है, पार्टनर के रूप में हैं, और उनके दो पार्टनर रहे हैं, एक अजीत गुलाब चंद हैं जिनके साथ वो बॉम्बे में रहीं और बहुत बहुत समय तक रहीं, और सलमान तासीर ये 1980, इसमें लिखा है 1980 तक ये पार्टनर थे। ये आपके सामने मैंने रखा, और इस पर देश का मीडिया, ये जो प्रगतिशीलता है
ये अजीब तरह की प्रगतिशीलता है। एक और तथ्य जल्दी से रखता चलूं कि बहुत सारे द्विवेदी साहब और सारे वक्ता ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे अखबारों में और जितने भी वेब न्यूज़ हैं जो प्रमुख हैं, आप नाम नहीं लेंगे उनका, उन सब लोगों ने लिखा कि आतिश तासीर की जब खबर ये टाइम्स मैगजीन में छपी, जब कवर स्टोरी छपी, तो भारत से आतिश तासीर का विकिपीडिया हटा लिया गया। ये सारे जो तथाकथित वेब न्यूज के चैनल हैं उस पर चल रही है खबर, और आप ये देखिए कि आतिश तासीर मेरे प्रभात रंजन दीन को विकिपीडिया पर मिल गए, और ये आपको दर्शक दीर्घा के सामने मैं भी रख रहा हूं, आप सब लोगों को भी दिखा रहा हूं कि ये है आतिश तासीर जिनका विकिपीडिया पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में वो खुद विकिपीडिया लिखता है, मैं अंग्रेजी में पढ़ दे रहा हूँ। तवलीन मेट द लेट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सलमान तासीर, ये सब तो देन ए मैरिड मैन एंड वॉज इन रिलेशनशिप विथ हिम, देयर सन इन द राइटर इज द राइटर आतिश तासीर, देयर आफ्टर तन ये ब्लाबला, और उसके बाद देयर आफ्टर तवलीन रेज्ड हर सन सिंगल हैंडेडली एंड हर फैमिली होम इन दिल्ली। इन द लेट 80s शी मेट अजीत गुलाबचंद, CEO ऑफ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ए सियोन ऑफ वॉलचंद हीराचंद फैमिली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसमैन। ठीक है, तवलीन डिसाइडेड नॉट टू मैरी अजीत और उसके साथ उनके साथ रही। हाउ एवर शी मूव टू मुंबई 1994 टू बी क्लोजर टू अजीत, रेंटिंग ए स्पेसियस सी फेसिंग अपार्टमेंट इन द बिल्डिंग वेयर अजीत गुलाबचंद ऑलरेडी लिव्ड, लोकेटेड इन मरीन ड्राइव, द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड इन इंडिया। तवलीन एंड गुलाबचंद रिमेन इन ए रिलेशनशिप बट हैव नेवर मैरिड सिंस बाय द टाइम आतिश ग्रू अप। और ये जो है आतिश के बारे में, ये तो तवलीन के बारे में था, और आतिश के बारे में भी एक बात आपको बताता चलूं कि ये भी आपको मैंने दिखा ही दिया, आतिश के बारे में उनका जो ये लिखा हुआ है विकिपीडिया पर भी है कि आतिश ने ये जो है रायन डेविस के साथ, ये रायन डेविस के साथ उन्होंने बाकायदा शादी की है, और ये दोनों मर्द पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह सुनकर बहुत ही आनंद आएगा, और मैं अब यह विषय वक्ता दीर्घा के सामने रखता हूं, और इस पर सब लोगों की अपनी अपनी केंद्रीय राय, हर लोग अपनी अपनी केंद्रीय राय दे दें, दो दो मिनट तीन तीन मिनट की, और उसके बाद फिर हम लोग इस पर अगर कोई प्रश्न उठता है तो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूं आदरणीय द्विवेदी जी से बात शुरू हो और फिर हम लोग आपका अनुकरण करें। धन्यवाद। पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को और मीडिया में होकर के मीडिया की खामियों को उजागर करने का जो साहस किया, वास्तव में इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जहाँ तक सवाल है कि भारत में मीडिया में काम करने के लिए जो मीडिया को अधिकार दिए, जिनको कहा गया कि ये लोकतंत्र का चौथा खंभा है, वो अधिकार आर्टिकल 19 के तहत ही लिखने का, बोलने का, विचार करने का अधिकार है, लेकिन उसमें एक क्लाज और है, वो है लोकहित प्रभावित ना हो। तो ये लोकहित सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, जिस पर कि मीडिया भी ध्यान नहीं देता, लेखक भी ध्यान नहीं देता, और सर्वोच्च न्यायालय भी उस पर ध्यान नहीं देता। मैं सर्वोच्च न्यायालय इसलिए कहा कि हरेक को ऑर्गेनाइज करने का अधिकार दिया हुआ है संविधान में। तो पॉलिटिकल पार्टी भी ऑर्गेनाइज होती है, काम करने वाले भी ऑर्गेनाइज होते हैं, और उसी के तहत इसका रजिस्ट्रेशन भी है जो मीडिया में काम करते हैं, उसी क्लाज के तहत, और इसीलिए उनका अखबारों से लेकर के सभी का रजिस्ट्रेशन उस राइट के तहत होता है। लेकिन वो भी जो है अधीन है, लोकहित सर्वोच्च है, उसमें भी लोकहित कहीं इधर उधर नहीं हो सकता। अब आता है प्रश्न कि भारत के संविधान में प्रम्बुल और उसमें है बंधुत्व, जहां पर बंधुत्व को प्रभावित करने की बात की जाए और उसके बारे में मीडिया उसमें सहभागी बने, जब मीडिया सहभागी बनेगा तो वो उतना ही अपराधी है इस संविधान के लिए जितना कि बाहर का या कोई व्यक्ति उसके लिए अपराध कर रहा है, और इसको सो मोटो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, जो दुर्भाग्य से कभी संज्ञान नहीं लेता है,
वो ऐसे विषयों को संज्ञान लेता है जिसका कोई संवैधानिक दृष्टि नहीं होती है, जबरदस्ती संवैधानिक दृष्टि से उसे पुरोने का काम करता है, जिनके बारे में अभी आपने गे आदि शब्दों का प्रयोग किया। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि जब यहां के नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जाता है तो उसमें एक शब्द आता है जिस पर आपने कई बार चर्चा कराई और वो है विकृत चित्त। और ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के जज से लेकर के और जो इस पर काम करते हैं मीडिया के, वो सब विकृत चित्त है। और विकृत चित्त होने के नाते वो संविधान के शपथ लेकर के भी संविधान का अवहेलना कर रहे हैं, तो वो अपराधी है मेरी दृष्टि से। और मैं आपके इस मंच पर कह रहा हूं कि ये अपराध करने का काम जो हो रहा है उसका कारण है कि जनता इतनी जागरूक नहीं है। जनता जागरूक होगी तो जज से लेकर के और मीडिया तक इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और इसको पेनलाइज करना चाहिए। यह कार्य होने की आवश्यकता है। हमें जो है अधिकार हमने दिए हैं जजेज को कि अपने विवेक से निर्णय करें। विवेक तभी होगा जब विकृत चित्त नहीं होगी और किसी से प्रभावित नहीं होगी। और जब जजेज किसी से प्रभावित है, चाहे विचार से हो, चाहे व्यवहार से हो और चाहे स्वार्थ से हो, तो ये तीनों चीजें विकृत चित्र में आती है और इसलिए उनका निर्णय और समाज को ग्राह्य नहीं होता। और इसलिए आज कटघरे में अगर सबसे ज्यादा कोई है तो सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस से लेकर के पूरी जुडिशरी है। और आज मीडिया में कोई सबसे ज्यादा प्रभावित है तो पूरा मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो हो। अब मैं बात करता हूं विदेशी मीडिया की। विदेशी मीडिया को कोई भी राइट नहीं है कि हमारे देश के बारे में हस्तक्षेप करे और हमारे संविधान के विरुद्ध लेखन कार्य करे। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई करनी चाहिए और उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात कराना चाहिए। तब जाकर के जो इस तरीके का मीडिया में चल रहा है देश और विदेश में, वह देशों को प्रभावित करने, वहां की जनता को गुमराह करने का काम जो चल रहा है उस पर अंकुश लगेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं ये जनता से अनुरोध कर रहा हूं कि जनता जागरूक होकर के और खास तौर से हमारे विश्वविद्यालय जो इसमें पढ़ाते हैं वो तो सबसे ज्यादा निष्क्रिय है। सैलरी लेंगे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, काम इस पर कुछ नहीं, तो वो भी इस देश के साथ अपराध कर रहे हैं। इस पर हम लोग फिर आते हैं, ये वाला जो आस्पेक्ट है इस पर हम लोग फिर आते हैं। योगेश जी आपके पास आते हैं, वो थोड़ी सी बात ये कह दें कि ये जो है, ये जो इतनी जो बात हमने बताई आतिश तासीर के बारे में, वो उसका आशय केवल ये है कि जिस व्यक्ति की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हो, वो व्यक्ति इतनी बड़ी खबर लिखता है। और इसके पीछे मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो नाजुक वक्त है, ऐसे में हम पेड न्यूज़ चिल्लाते हैं, क्या गारंटी है कि टाइम मैगजीन को इसके लिए भारी पेमेंट नहीं हुआ हो? बिल्कुल पेमेंट से ही लिखा। और जो है इसकी बड़ी बड़ी इसकी बड़ी बड़ी हिस्सेदारियां आई हो विभिन्न अखबारों और मैगजीनों की हिस्सेदारियां। एक तो एक कानून विशेषज्ञ के नाते आपका क्या विचार है और एक टोटालिटी में आपका क्या विचार है, उसके बाद हम लोग तो डिबेट पे आएंगे। देखिये प्रभात जी, इसमें सुरेश जी ने जो बात कही है उन्हीं के समर्थन में मैं दो बातें अपनी भी रख रहा हूँ। भारत का संविधान जिसके 19(1) की बात आपने रखी है, योगेश जी एक मिनट के रोक लो। हाँ हाँ, इसलिए कि वो ब्रेक की एक आवाज आ गई है। हाँ, और ये जो है, लेकिन इसी पर आप रुके रहिएगा, हम लोग आते हैं जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद।